हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जाने कि लड़की के दिल में आपके लिए जगह बन गई है। तो आज के वीडियो से टॉपिक पे हैं, क्योंकि दोस्तों देखो, हम जिससे प्यार करते हैं हम उस इंसान के बारे में बहुत कुछ जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि वो इंसान हमें प्यार कर रहा है या नहीं। और अक्सर ये सवाल जो होता है हमारे माइंड में चलने लगता है। तो अगर आप भी किसी लड़की के बारे में जानना चाहते हो कि उस लड़की के दिल में आपके लिए जगह है या नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ इसी से रिलेटेड है। तो वीडियो को एंड तक देखो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि अगर लड़की के दिल में आपके लिए जगह बन गई है तो वो आप में इंटरेस्ट यानी कि आप में दिलचस्पी लेने की कोशिश करेगी, आप में रुचि दिखाएगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं ना, तो हम उस इंसान को हमेशा खुश करने के बारे में सोचते हैं। हम चाहते हैं वो इंसान हमेशा खुश रहे। और उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या होता है कि उसके बारे में जानना, जैसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, उसे कैसे काम पसंद है। ठीक है, तो जब हमें ये पता रहेगा कि हाँ उसे क्या अच्छा लगता है, तो ही जाके हम उस इंसान को खुशी दे सकेंगे। ठीक है, या खुश कर पाएंगे। तो इसलिए मोस्टली लड़की भी ये काम करेगी कि वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेगी, आपसे अपनी मन की बातें निकलवाने की कोशिश करेगी। ठीक है, और चाहे अगर आपकी उससे बातचीत नहीं होती है, तो आपके दोस्तों के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू वो कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगी। तो इससे आप समझ सकते हो। इसके अलावा दूसरा काम है दोस्तों, देखो, जब लड़की आपको बहुत ज़्यादा मैसेज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ़ोन पर बात होती है, ठीक है, नंबर एक्सचेंज है, तो वहाँ पे क्या मैसेज करने लगे, और प्लस आप बेशक उसको रिप्लाई करो या ना करो, लेकिन जैसे ही आपका मैसेज आता है वो तुरंत आपको रिप्लाई कर देती है, फास्ट रिप्लाई करने लगे, मतलब कुछ सेकंड भी नहीं लगाती। जैसे ही मैसेज रीड करा, तुरंत आपको मैसेज सेंड कर दिया। हाँ, वो पता लगे कि उसके हाथ में फ़ोन नहीं है तो बाद में पता चला, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है वो तुरंत आपको कॉल बैक करती है या मैसेज कर दे। तो इससे आप समझ सकते हो कि आप उसके लिए एक दोस्त से बढ़कर हो या उसके दिल में आपके लिए एक अलग जगह है। ठीक है, आमतौर पर लड़कियां ऐसा नहीं करती, क्योंकि अक्सर लोग आज के टाइम में अपने काम में बिजी रहते हैं और काम निकलता है तो ही कॉल या मैसेज करते हैं। लेकिन कई बार जब बिना वजह भी वो आपको कॉल या मैसेज करने लगे, तो इट मीन्स कि वो आपके लिए सीरियस हैं। इसके अलावा अगला काम है कि जब वो आपके बुरे जोक पर भी हंसने लगे, ठीक है, आपको ये एहसास कराएगी आपने कोई बुरा जोक नहीं मारा है। ठीक है, मतलब आप बहुत अच्छे हो, फन लविंग हो, आपने बहुत अच्छे उसे जोक सुनाया है, जिससे वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही है, तो भी आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं वो आप में इंटरेस्ट ले रही है। ठीक है, और इसे समझने के लिए आप उसे कोई बात करके देखो, या आप ये देखो कि वो आपके साथ में कितना खुश रहती है, जब भी आपके साथ होती है तो वो कितनी ज़्यादा आपके साथ में इंजॉय करती है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अगला काम है दोस्तों, देखो, अगर लड़की का बिहेवियर आपको लेके हमेशा शांत रहता है, मतलब वो आपके साथ बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही प्यार से पेश आती है, औरों की बात देखो, औरों से जो बात करती है तो थोड़ा सा अकड़ कर बात करना हो गया, रूडली बात करना हो गया, ठीक है, उल्टे सीधे जवाब देना हो गया, लेकिन जब भी वो आपसे बात करती है उसका बिहेवियर आपको लेके बहुत ही अच्छा रहता है, तो भी आप समझ सकते हो कि उसके दिल में आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम थे, कुछ ऐसे जिससे आप समझ सकते हो कि लड़की जो है आप में इंटरेस्ट लेने लगी है, उसके दिल में आपके लिए जगह बन गई है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।